शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी तिथि है और पूरे कोयलांचल में दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी विधायक राज सिन्हा यहाँ पहुँचे हैं जो कि जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक है, यहाँ पर वो एक धरना स्थल का निर्माण करवा रहे हैं और इसके अंतिम रूप को देखने के लिए इसमें जो कमियाँ है उसे कैसे मिला किया जाए, पूजा में और दुर्गा पूजा का ऐसा त्यौहार है हर घर हर लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोई घर के अंदर पूजा करते हैं, कोई मेला के अंदर, सारे लोग जो है वो पंडालों में शासकीय अधिकारी भी अपने अपने कार्य में हिस्सा है। तो यह 9 दिन तक और खास करके सस्ती सब्जी 10 दिन तक भसान नहीं हो जाता है तब तक सब लोग इसमें काफी। पिछले बार भी जो हम लोग उसी समय कोरोना से बाहर आए थे 2 साल पहले और इस बार कुछ ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब प्रभावित है कोरोना के बाद बहुत सा प्रोटेक्शन लोग चल रहे थे, बहुत सा बंधन था, लेकिन इस बार तो खुल करके लोग हैं। हम लोग 2 दिन के बाद विजयदशमी का भी पर्व मनाएंगे। समाज कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है रावण, भगवान श्री राम को लेकर इसे देखा भी जाता है, लेकिन क्योंकि आप समाज के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ सभी लोगों को आपको देखना होता है, आप मुझे बताइए आपके नज़र में समाज की 10 बुराइयाँ क्या है? देखिए अब आज में बुराइयों के लेकर है, मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ जहाँ भी मुझे लोग बोलने के लिए मौके, मैं इसी बात को कहता हूँ कि भाई हम नारी के सम्मान करते हैं और ये एक तरह से कहिए तो नारी शक्ति की पूजा है, हम जिसको अबला मानते हैं आज हम तीनों रूप में नवरात्र में हम उसकी पूजा करते हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूँ इस बात को, मैं कहता हूँ भाई देखिए माता आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें मेरा यह प्रार्थना है, लेकिन साथ साथ माता का भी एक मनोकामना है उसको भी हमको पूर्ण करना है। माँ तो हमेशा हम लोग को मनोकामना को पूर्ण करती हैं देखती हैं, लेकिन माँ की भी एक मनोकामना है, उनकी भी एक इच्छा है उसको हमको पूर्ण करना है। और वो अब लोग माँ की मनोकामना क्या है वो मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूँ कि आज देखिए दुर्गा आश्रम की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग बड़े होते जा रहे हैं, व्यस्त होते जा रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको दुर्गा आश्रम में भेज देते बिल्कुल। या जिस प्रकार से बहू बेटी बहन का इज्जत होता जा रहा है, व्याभिचार अनाचार कदाचार अत्याचार दुराचार सब बढ़ते जा रहा है, आए दिन सुनने में आ रहा है दहेज हत्या हुई, बहू की हत्या हो रही है, हम बेटी को पढ़ाई नहीं करने देते हैं, भ्रूण बालिका कन्या भ्रूण हत्या उसके रोकने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है सरकार को, तो ये सारी जो अत्याचार हैं हम अपने माता पिता की संस्था में सेवा करें। और इसलिए मैं यही करता हूँ, देखिए आप इतना कठिन तपस्या करते हैं, 9 दिन जल पर रहते हैं या बहुत कुछ करते हैं, सिरे पे कलश रख के तपस्या करते हैं 9 दिन, देखिए वो इस पूजा से पता नहीं माँ कितना प्रसन्न होती है, नहीं जानता हुई माँ आप तपस्या कर रहे जरूर करें लेकिन कितना प्रसन्न हुई मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम इस धरती पर साक्षात हमारे जो माता पिता हमारे साथ हैं उनकी हम सेवा करें या हमारी बहन बहन बेटी बहू हम नारी की सम्मान करें, अगर यह काम का संकल्प हम ले लेते हैं तो माँ 100% प्रसन्न होगी, इसका गारंटी देता हूँ। ऐसी कौन सी 10 बुराइयाँ हैं? सारे बुराइयाँ समाज की यही सारे हम जो मैंने कहा आपको कदाचार अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार दुराचार इस प्रकार के मैंने जो हमारी जो बुराई करना नहीं केवल हम किसी की के साथ गलत करें वही नहीं, हमारे अंदर सोच हम अपने अंदर जो हमारी जो गलत सोच हमारे जो गलत की प्रवृत्ति गलत जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है उसको हमको छोड़ना चाहिए और वो अगर उसको हम खत्म करने की का संकल्प लेते हैं देखिए एकदम से तो हमको भगवानी हो जाएंगे, लेकिन
जिससे दूसरे को बहुत ज़्यादा अगर दूसरे को परेशानी नहीं हो और क्या किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं हो, ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। ये इन कार्यों को हमको छोड़ना चाहिए, दूसरे को पता नहीं। एक कम से कम एक संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें, हम वृद्ध माता पिता की सेवा करें, हम बहू बेटी कहने का मतलब कि हम नारी जाति का सम्मान करें। हम आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना जबरदस्त नारी शक्ति बंधन, उन्होंने जो बिल पास किया है उसका नाम महिला रक्षा नहीं किया है, उन्होंने दिया है नारी शक्ति बंधन। और यह हम इस बात का संकेत है, आज जो हम वंदना करते हैं अपनी नारी शक्ति का, माँ की पूजा करते हैं, हर रूप की पूजा करते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ के शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी, सबका कल्याण करो माँ, सबका भलाई करो, यही मांगते हैं। तो सबका भलाई माँ से हम मांगे और हम खुद नहीं सोचे सबके विषय में। अभी हाल ही में कांग्रेस ने उचित फैलाया कि जल्द से जल्द महिला रक्षा विधेयक को लागू करना चाहिए, 2019 पर नहीं छोड़ना चाहिए, और इसको लेकर सोनिया गांधी भी अब सरकार से मांग रही है। देखिए जनता नाटक समझ गई है इनके यहाँ तक। ये आज तक देश आजाद हुई है, 75 वर्ष गुजर गए और लगभग 60 वर्षों तक उनकी सरकार रही, और उसके अलावा भी जब जब बिल आया और पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंका गया, उस समय भी या तो सरकार में थे या इनकी प्रभावी भूमिका थी, उस समय याद नहीं आया। ये नाटक बंद करें, यह बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, यह आपको लागू करना नहीं है, यह बिल पास होकर के कानून बन गया है और उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पता नहीं उनके दिमाग में है।